हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पी के शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी आवर यूट्यूब चैनल आयांश लर्नर अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मेटल चैप्टर चल रहा था और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देख चुके थे पिग आयरन के बारे में। पिग आयरन क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या होता है। कास्ट आयरन के बारे में, कास्ट आयरन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग क्या होता है। रॉट आयरन के बारे में, रॉट आयरन क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं और इसका क्या उपयोग होता है। फ्रेंड्स, आपको स्टील के बारे में बताया गया था, स्टील क्या होता है, स्टील कितने प्रकार के होते हैं और इसका कंपोजिशन क्या होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रोडक्शन ऑफ स्टील। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट की जो लिंक है जिसमें 44 वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इन सभी वीडियोस को देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, पीछे की वीडियो का जो मैंने लिंक है वो आई कार्ड में दे रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो ये वीडियो ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ स्टील या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का उत्पादन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। फ्रेंड्स, आपको बताया गया था कि आयरन ओर को जब ब्लास्ट फर्नेस में भेजते हैं तो वो पीग आयरन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, पीग आयरन का कोई उपयोग नहीं होता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और यह बहुत ही घटिया क्वालिटी का लोहा होता है। इसका उपयोग जो है अदर फेरस मेटल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। तो यह केवल रॉ मटेरियल के रूप में काम होता है। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि स्टील को हम लोग किससे बनाएंगे, पिग आयरन से बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम स्टील को रॉट आयरन से भी बनाते हैं, रॉट आयरन से भी स्टील बनाया जाता है सीमेंटेशन प्रोसेस और क्रूसिबल प्रोसेस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं स्टील बनाने की कितनी विधियाँ हैं। तो स्टील बनाने की आपकी लगभग 7 विधियाँ हैं। सबसे पहली मेथड है सीमेंटेशन प्रोसेस, दूसरी है क्रूसिबल प्रोसेस, थर्ड नंबर है बेसेमर प्रोसेस या बेसेमर कन्वर्टर भी इसको बोला जाता है, बेसेमर कन्वर्टर भी कहा जाता है, ओपन हर्थ प्रोसेस, डुप्लेक्स प्रोसेस, एलडी प्रोसेस, इलेक्ट्रिक प्रोसेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस और बेसेमर प्रोसेस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सीमेंटेशन प्रोसेस। सीमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड? सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि एक फर्नेस ली जाती है। इस फर्नेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फायर ब्रिक्स की लाइनिंग कर देते हैं। फायर ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? अग्निशय ईंटें होती हैं। इनकी जो क्षमता होती है हाई टेम्परेचर तक भी ये अधिक से अधिक ताप को वियर कर सकते हैं, 1500 से 2000 तक के टेम्परेचर को सह सकते हैं। तो फायर ब्रिक्स को एक फर्नेस के अंदर बिछा देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, चारकोल पाउडर, जो चारकोल पाउडर को क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं, उसको भी क्या करते हैं, एक लेयर में बिछा देते हैं। चारकोल पाउडर को भी बिछा दिया जाता है, यह पाउडर के रूप में होना चाहिए। अब क्या किया जाता है फ्रेंड्स, हम लोग रॉट आयरन को लेते हैं। आपको बताया गया था कि सीमेंटेशन प्रोसेस और क्रूसिबल प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल होता है वो आपका रॉट आयरन होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉट आयरन होता है। तो रॉट आयरन का हम लोग क्या करते हैं, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर से 3 मीटर लंबा और 12 से 18 मिलीमीटर मोटा हम क्या करते हैं, जो रॉट आयरन को बिछा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, इसका जो तापमान है अप्रोक्स 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है 5 से 10 दिनों के लिए। अब ये दिनों की संख्या जो है किस वस्तु को बनाने के लिए हम मेटल प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। जैसे हम लोग 5 दिन तक रखेंगे सा और स्प्रिंग को बनाने के लिए जो स्टील प्रयोग होगी, सा और स्प्रिंग, सा मतलब आरी और स्प्रिंग को बनाने के लिए जो स्टील प्रयोग होगी उसके लिए हम 5 दिन तक रखेंगे। ठीक है फ्रेंड,
सात से आठ दिन तक रखा जाता है, 7 से 8 दिन तक शियर स्टील के लिए, शियर स्टील के लिए, और 10 दिन तक रखा जाता है बहुत ही हार्ड स्टील के लिए। 10 दिन तक रखा जाता है बहुत ही हार्ड स्टील के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फर्नेस लेते हैं, फर्नेस में फायर ब्रिक्स की लाइनिंग की जाती है, उसके बाद क्या करते हैं चारकोल पाउडर को बिछा देते हैं, फिर आपका 2.5 मिलीमीटर लंबा और लगभग 12 से 18 मिलीमीटर जो मोटाई का जो रॉट आयरन है उसको क्या करते हैं हम लोग बिछा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है 10 दिनों तक। 10 दिन, ये दिन किस पर निर्भर करते हैं, किस किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसकी स्टील जो है प्रयोग की जाएगी। जैसे अगर आपको सा और स्प्रिंग बनाना है तो 5 दिन तक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मेंटेन करेंगे, शियर स्टील बनाना है तो 7 से 8 दिन तक ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, और बहुत हार्ड स्टील बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर जो है 10 दिन तक मेंटेन करते हैं। फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि जो रॉट आयरन में जो फेराइट होता है, आपको पता होगा कि रॉट आयरन क्या होता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, इसमें 99.9% आयरन होता है, यानी कि फेराइट जो है होता है। और ये फेराइट क्या होता है, सीमेंटाइट में, सीमेंटाइट में क्या हो जाता है आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये जो फेराइट है सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि अब इसका फेराइट जो है, फेराइट क्या हो गया सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसको सीमेंट स्टील कहा जाता है। जो स्टील बनती है उसको बोलते हैं सीमेंट स्टील, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रक्रिया के द्वारा, जो सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो स्टील बनती है उसे हम लोग क्या करते हैं सीमेंट स्टील कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें और क्या होता है कि रॉट आयरन जो होता है, रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन के ऊपर जो है कार्बन क्या होता है, कार्बन जो होता है सरफेस पे ब्लिस्टर के रूप में क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए इस स्टील को ब्लिस्टर स्टील भी कहा जाता है, ब्लिस्टर स्टील। जो सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो स्टील बनती है उसे सीमेंट स्टील या फिर ब्लिस्टर स्टील कहा जाता है। सीमेंट स्टील क्यों कहते हैं, फेराइट सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता है इसीलिए इसको सीमेंट स्टील कहते हैं। ब्लिस्टर स्टील इसलिए कहा जाता है क्योंकि रास्ट आयरन में जो कार्बन होता है, कार्बन जो चिपकता है एक ब्लिस्टर के रूप में चिपकता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लिस्टर स्टील कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोगों का क्रूसिबल प्रोसेस। क्रूसिबल प्रोसेस में क्या किया जाता है, क्रूसिबल प्रयोग किए जाते हैं किस फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, क्रूसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रूसिबल क्या होते हैं, फायर क्ले, या फिर ग्रेफाइट के होते हैं, फायर क्ले या ग्रेफाइट के होते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है 45 kg, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या किया जाता है, रॉट आयरन, स्टील स्क्रैप, स्टील का जो स्क्रैप होता है, और एलॉय जो होते हैं कुछ एलॉय जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, और फेरोमैग्नीज, को क्या किया जाता है इस क्रूसिबल में भर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्रूसिबल में क्या किया जाता है, भर दिया जाता है और इसे हीट दी जाती है। तो जब हीट दी जाती है फ्रेंड्स तो क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है कि जो आपका जो रॉट आयरन में क्या होता है, कार्बन जो है एब्जॉर्ब होने लगता है। जो ही आप हीट देते हैं तो रॉट आयरन में क्या होता है, आपका कार्बन जो है एब्जॉर्ब होने लगता है, और धीरे धीरे आपका जो ये रॉट आयरन है या फिर जो फेराइट, आयरन जो होता है आपका स्टील में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया से जो आपका फ्रेंड्स स्टील प्राप्त होता है उसे हम लोग क्रूसिबल स्टील कहते हैं, क्रूसिबल
क्रूसिबल स्टील कहा जाता है फ्रेंड्स। सीमेंटेशन प्रोसेस और क्रूसिबल प्रोसेस है, इनका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। सीमेंटेशन प्रोसेस और क्रूसिबल प्रोसेस जो है, ये जो दोनों प्रोसेस हैं, अब इनका जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रोडक्शन रेट है वो क्या होता है, लो होता है, और स्टील की जो क्वालिटी होती है काफ़ी लो होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि रॉट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिग आयरन से रॉट आयरन बनाएंगे, फिर रॉट आयरन से आपका स्टील बनाएंगे, इसीलिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारी जो अगली प्रोसेस है स्टील बनाने की, वो है बेसेमर प्रोसेस या बेसेमर कन्वर्टर। फ्रेंड्स, बेसेमर प्रोसेस में क्या होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक ऐसी फर्नेस होती है, इसमें हम लोग करते क्या है, ये आपका डायरेक्ट पिग आयरन से स्टील बनाने की प्रोसेस है। पिग आयरन लेंगे, पिग आयरन जो पिघला हुआ पिग आयरन होगा, डायरेक्ट आपकी ब्लास्ट फर्नेस से इस लैडल में पोर कर देंगे या फिर चार्ज कर देंगे, और चार्ज करने के बाद इस पोजीशन पर ला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पोजीशन में कर देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। तो ये जो फर्नेस है या फिर जो बेसेमर कन्वर्टर, इसका नाम होता है बेसेमर कन्वर्टर, को सबसे पहले क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चार्जिंग कैसे होती है, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से डायरेक्ट पिघला हुआ पिग आयरन लेते हैं और इसमें भर देते हैं। अब दूसरे स्टेज में क्या किया जाता है, ब्लोइंग की जाती है। ब्लोइंग करने के लिए क्या होता है, इस बेसेमर कन्वर्टर के मुंह को सीधा कर देते हैं वर्टिकल पोजीशन में, तो जिससे इसका जो मुंह होता है हल्का सा इंक्लाइंड हो जाता है, और जो कोल्ड एयर होती है, उसके बाद कोल्ड एयर को हम लोग प्रेशर से पास कराते हैं। कोल्ड एयर को क्या किया जाता है, प्रेशराइज करके पास कराया जाता है, जिससे पिग आयरन में जो मौजूद अशुद्धियाँ होती हैं, पिग आयरन में जो मौजूद अशुद्धियाँ होती हैं, क्या होती हैं, धीरे धीरे जलने लगती हैं। सबसे पहले इसमें जो जलता है, सिलिकॉन और मैग्नीज, सिलिकॉन सिलिकॉन और मैग्नीज, याद रखिएगा, सबसे पहले जो जलने की प्रक्रिया होती है सिलिकॉन और मैंगनीज की होती है। सबसे पहले सिलिकॉन और मैंगनीज क्या होता है, जल जाता है। उसके बाद आपका अन्य अशुद्धियाँ जो होती हैं, जलती हैं, फ्रेंड्स जब आपका जो है, फ्रेंड्स जब आपका सिलिकॉन और मैंगनीज जलते हैं, तो जो धुआं निकलता है वो होता है ब्राउन। जो ब्राउन स्मोक निकलेगा, तो आप समझिएगा कि सिलिकॉन और मैग्नीज या फिर अन्य अशुद्धियाँ जो है धीरे धीरे इससे जलती हैं। इसके बाद आपका जो धुआं होगा वाइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्या कि कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन जो है आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या किया जाता है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें कुछ एलॉइंग एलिमेंट जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस या फिर कार्बन, जो भी है मिलाकर, उसके बाद क्या करते हैं, पोरिंग पोजीशन में लैडल में हम लोग क्या करते हैं, पिघले हुए पदार्थ को इकट्ठा करके ठंडा कर लेते हैं। अब इसको जो है, ये जो स्टील होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, और इसकी जो डक्टिलिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो फ्रेंड देखिए, एक बार और देख लेते हैं बेसेमर कन्वर्टर में क्या किया जाता है। सबसे पहले इसका चार्जिंग पोजीशन होता है। चार्जिंग पोजीशन में क्या करेंगे, इस पोजीशन में इस लैडल को या फिर बेसेमर कन्वर्टर को हॉरिजेंटल पोजीशन में घुमा लेंगे। उसके बाद जो ब्लास्ट फर्नेस से पिघला हुआ पिग आयरन रहता है, इसके अंदर भर लेंगे, तो ये आपकी चार्जिंग पोजीशन हो जाएगी। इसके बाद वर्टिकल पोजीशन में इसको घुमा लेते हैं और हाई प्रेशर पे कोल्ड एयर की ब्लोइंग करते हैं। जब कोल्ड एयर की ब्लोइंग होती है, तो आप जानते हैं कि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सिलिकॉन और मैग्नीज जो होती है ब्राउन स्मोक के साथ इस लैडल के अंदर से जल कर बाहर निकलने रखती है धुएंदार, जो भूरा 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 धुआं निकलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि सिलिकॉन मैग्नीज या फिर अन्य अशुद्धियाँ जल कर बाहर आ रही है।
इसके बाद क्या होगा फ्रेंड, जो ब्राउन स्मोक है व्हाइट स्मोक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कार्बन जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है। तो जब आपका कार्बन भी डिकम्पोज हो जाएगा तो व्हाइट व्हाइट जो स्मोक है वो भी आना बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर कुछ एलाइंग एलिमेंट को मिला लेते हैं और फिर पोरिंग कर लेते हैं, मतलब कि किसी सांचे में गिरा लेते हैं पिघली हुई धातु को और उसको ठंडा कर लेते हैं। अब इस स्टील को जहाँ हमारी आवश्यकता है वहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। इस स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है और डक्टिलिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज की तीन तीन प्रोसेस थी स्टील बनाने की, सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस और बेसेमर प्रोसेस। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ओपन अर्थ, डुप्लेक्स, एलडी और इलेक्ट्रिक प्रोसेस। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट में आपसे यही कहूँगा, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।